गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश अल्फाबेट में के फॉर काइट लिखना सीखेंगे। के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। ये सभी बच्चे स्काई में फ्लाई करते हैं। के फॉर काइट, ऊपर की थ्री लाइन में रेड से ब्लू तक वन स्टैंडिंग लाइन। रेड से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन को टच करके वन स्टैंडिंग लाइन। सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आगे की ओर स्टैंडिंग लाइन। के फोर काइट, वन स्टैंडिंग लाइन। रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए वन स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से नीचे की ओर। वन स्लैंडिंग लाइन सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन तक, दोनों स्लैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन को टच करनी चाहिए। वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंडिंग लाइन एंड सेकंड स्लैंडिंग लाइन। के फॉर काइट, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंडिंग लाइन सेकंड ब्लू लाइन तक, सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन तक सेकंड स्टैंडिंग लाइन। सॉरी, वन स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन रेड से ब्लू लाइन तक, सेकंड ब्लू लाइन से सेकेंड नंबर पर जो ब्लू लाइन है नीचे की ओर दूसरी स्लैंडिंग लाइन। वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंडिंग लाइन एंड सेकेंड स्लैंडिंग लाइन। के फॉर काइट, वन स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन। के फॉर काइट, वन स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन एंड स्लैंडिंग लाइन। के फॉर काइट, आज सही बच्चे के फॉर काइट राइट एंड लर्न करेंगे।